Of chasing, doing what they know best. Islamabad United are the best team in the side. Chasing, they've established that now, time and again. Fahim Ashraf with the winning runs, jubilations in the camp. And look at that just look at the emotion in that dugout. It pretty much tells you a story. All smiles. Fahim Ashraf with the winning moments, and they're doing it time and time again for their side there's a different individual that stands up every time muhammad basim jr with that fabulous last over shadab khan the winning captain hello and welcome to Pitside once again and what a performance by islamabad united we spoke about how they've done it time and time again they chased over 200 runs in that previous game we've seen them do it again whether it's azam khan whether it's fahim ashraf everybody seems to be coming to the party just at the right time and because we're talking about fahim ashraf uh, the special guest has joined us in the studio today on pitside fahim uh rana saab i mm. think aapko sab rana saab kehte hain isliye main aapko rana saab rana saab aap खाना तो वही रूटीन रूटीन आम वाला ही खा रहे हैं जो हम रोज खा रहे हैं ये लेकिन ये था कि आज मैंने ना बाकियों से थोड़ा सा फिर कुछ ज्यादा ही रास आ गई कुछ ज्यादा ही रास आ गई है अठारह रन आखिरी ओवर में यू नो आसान नहीं होता और उस वक्त एक पॉइंट पे लग रहा था कि अच्छा मुल्तान सुल्तान के पास लेकिन ये क्या क्या है ये यूनाइटेड का सेल्फ बिलीफ है नो नो मैटर द टारगेट इज सीम्स टू बी एक यू सेल्फ बिलीफ जिसकी मैं बात कॉन्फिडेंस यही ये, ये चीज़ है जी बिल्कुल सेल्फ सेल्फ बिलीव है जितनी हमारे मैनेजमेंट है जितने प्लेयर हैं सबको एक दूसरे पे इतना बिलीव है कि कुछ कोई भी सिचुएशन हो सिर्फ यही बात करते हैं कि तूने पहले किया हुआ है तू करेगा सिर्फ ये चीज़ है कि जो इंसान को आ, मैं कहता हूँ हमारी जो टीम को ना नीचे वाले लेवल से नेक्स्ट लेवल पर ले प्ले जाती है तो ये जो है ना ये सबसे अच्छी चीज़ है कोई भी आएगा चाहे वो टेंथ नंबर का है एलेवंथ नंबर का है यही चीज़ होती है कि आपने पहले किया आप करोगे वकार भाई आपने फ़हीम के साथ ऑब्वियसली बड़ा टाइम भी बताया है आपने इसका करियर की प्रोग्रेशन भी देखी है आपको इस फहीम की इनिंग्स के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी आज देखिये मेरा ऑलवेज बिलीव था कि फ़हीम इज अ वेरी टैलेंटेड यू नो फास्ट बॉलर एज वेल एज अ वेरी वेरी फाइन बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरियाँ uh, ने कह देना पल्ला नहीं छोड़ा कुछ अरसा और फिर फॉर्म भी कई दफ़ा होती है बट बट टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि ही इज बीन आउटस्टैंडिंग यू नो और uh, जिस तरह की आज की इनिंग्स थी दैट रियली गिव हिम री बर्थ जैसे होते हैं ना यू नो इसके करियर का आई एम श्योर सेलेक्टर सब लोग इस पर नज़र रखेंगे और जिस तरीके से खेले जिस तरह से बॉलिंग भी की आई थॉट इस बॉलिंग एज इम्प्रूवड अ लॉट और ओवरऑल इस्लाबाद की क्या बात है आई I मीन mean, क्या यू नो दे देर दिस वंडरफुल साइड मुल्तान सुल्तान नो डाउट हार्ट ब्रोकन जरूर हुई है लेकिन इस तरह की इनिंग्स तो अगर कोई बंदा खेल दे तो आई डोंट थिंक माइंड करना चाहिए क्योंकि दैट शॉर्ट ऑफ इनिंग

तो ये सेल्फ बिलीफ कॉन्फिडेंस शादाब खान देता है अजहर महमूद देता है सईद अजमल देता है आ, मतलब यू हैव सो मेनी लेजेंड्स सईद अजमल भी हैं अजर महमूद भी हैं फिर शादाब शादा कैप्टन यू हैव सो मैनी प्लेयर्स इन योर साइड कहाँ से आता है देखें जी ये सारे तो देते ही देते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेन हमारे हैं ना जो हमारी मैनेजमेंट की टीम है ना वो जो स्पेशली रात को जो बैठते हैं ना वो रात को भी ऐसी बातें करते हैं कि राना तू ही है रोमी भाई है रोमी तू ही है कोई भी रात को उनके पास बैठ गया ना उनका रात को चार बजे सुबह चार बजे मैसेज आएगा राना आई लव यू ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब वो सिर्फ मोटिवेट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसी वजह से जो हमारी टीम है ना एक तो सबके साथ है, एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती बनी है दोस्ती की के पास एक दूसरे की फिर फिक्र भी होती है कि यार अगर मेरा दोस्त है ना शदाब कप्तान अगर उसको मार पड़ेगी या उसको मैं कुछ हम देखते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है कि नहीं भाई इसके लिए कुछ करके दिखाएं अपनी पीटी क्योंकि सारे हमारे दोस्त हैं तो दोस्तों के लिए फिर इंसान का होता है कि यार कुछ करें कुछ भी करके किसी ना किसी तरीके से कुछ इसका ना वे आउट निकाले तो मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छी चीज है इस्लाम की सार, के सारे दोस्त है सारे आपस में मजाक करते हैं मजाक करते हैं उससे ये है कि एक दूसरे के मारते हैं झुकते हैं तो बहुत मारते हैं तो बहुत बिना तो काम नहीं ना चलता फिर राणा साहब और झुकते ना हो ये कैसे हो सकता है अच्छा आपकी 18 रन बट उसमें से एक जो शॉट आपकी स्टैंड आउट कर रही थी वो जो एक रैम शॉट थी वो, वो क्या थी वो आप खुद ही एक्सप्लेन करें बल्कि हम आपको दिखा भी देते हैं एक दफ़ा बिकॉज इट वॉज क्वाइट एन इनक्रेडिबल शॉट बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टम्प के बाहर से कहाँ से आपने उठाई और कहाँ से मारी देखिए जी यही जो, जो बात के सेल्फ बिलीव और मैं कहता हूँ कि ये ना बेउिरी हुई, हुई थी कि नहीं भाई कुछ ना कुछ करना है अगर नहीं इधर तो तो कुछ इसका वे निकालना किसी तरीके से से हुई थी वो है। में थी थी वो है में लगी लेकिन प्री थी। मतलब पहले सोचा हुआ सोच, था सोचा तो पहले सोचा था वकार भाई ये आसान नहीं होती ये, उस मोमेंट में इस तरह की कोई खेल सके तो आपको उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे वर ऑन कमेंट्री You know, what did, what did देखे मैंने बड़ी क्रिकेट देखी भी है खेली भी है कोचिंग भी की है सब कुछ करके देखा है दिस वाज समथिंग वेरी यूनिक मैंने ऐसी शॉट नहीं देखी क्योंकि uh, उससे पिछला गेंद चौका थोड़ा सा लक फेवर की अंदर कैच लगा और फाइन लेग पे चौका चला गया आई थिंक राना साहब वही शॉट खेलने गए थे स्टार्ट ऑफ उसी से किया बद कि गेंद थोड़ा दूर है एंड टू चेंज इज डिसन एट द लास्ट सेकेंड दैट इज सम सम डूइंग रियल क्वालिटी कि आप खेलने यूँ जा रहे हो सडनली यू सो कि ये बॉल पेस पे है और थोड़ा दूर है और फुल टॉस है टू हिट अ सिक्स ऑन दैट फोर आई कैन स्टिल से दैटा चौका लग गया शायद एज लग जाता बट राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड देप इट अपड श्योर के गोज इन दर और डिस्टेंस uh, था सिक्सटी ऑट मीटर्स था एंड इज जस्ट वेंट वेरी वेरी क्विकली एंड सम शॉट मैंने क्रिकेट में बहुत कम दफ़ा देखा है इतनी अच्छी और इतनी कंट्रोल्ड शॉर्ट Oh, definitely and executed so well. 46 runs were scored off the last three overs. And of course, Fahim Ashraf had a huge role to play in that, which is why he's also a master blaster for today. फीम अशरफ ने बॉलिंग तो अच्छी की ही की थी लेकिन बैटिंग यू नो पिछले मैच से ऐसे लग रहा था कि पुराना जो रिदम है उसकी जो बॉल का फ्लो है ऑलमोस्ट अंपायर को भी ले चले थे यहाँ पर और ये थोड़ा सा लक फेवर की और ये शॉट आई कैन वॉच दिस शॉट अगेन एंड अगेन इट वॉज वंडरफुल एट दी एंड पचास रन भी कम्प्लीट किए यहाँ पे पोलार्ड थे लेकिन पोलार्ड भी नहीं रोक सके उसके बाद एक रन चाहिए था वो जहाँ मर्जी खेल लेते ग्रेट इनिंग्स नो डाउट ये बताएं कि इतनी आपने खेली, हाजरी हुई थी हाजरी क्या है वकार भाई मुझे तो नहीं पता हाजि यही है ना कि कोई वे आउट निकालना है ये पहले नहीं मारते नहीं भाई आज मारनी है जो मर्जी है वे आउट निकालना है मैच जीतने जाना है तो हाजिरी हुई है कि नहीं इसी पे रह ये मारनी है लगेगी तो हमारी है फिर ये हाजरी है मतलब वो कॉन्फिडेंस जिन्ना ली हाजरी नहीं है जिन्ना वाली जेड़े इलाके च आया उधर जिन्ना ली भी हाजरी होती है फूल नगर फूल नगर चले फूल नगर ने इतना बड़ा हमें टैलेंट दिया है फहीम अशरफ के फॉर्म में थैंक यू सो मच एक सवाल एक सवाल आखिरी फॉर अ सेकंड मैं जस्ट वांट टू नो कि हाउ इज

तो कोशिश अब यही है कि अगर मैच खेल रहे हैं जानपुरी लगा रहे हैं बैटिंग में बॉलिंग में फील्डिंग में भी तो उसकी रिकवरी की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफी बेहतर है इंजरीज कोई ऐसी नीज है। का, शोल्डर का, का, सारे इंजन <laughs> तो जी, जी, काम कर रहे हैं सारे इंजन गाड़ी का सारे पुर्जे जो है वो सब काम कर रहे हैं बिल्कुल चलती हुई गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है चले हम उम्मीद यही करते हैं ये गाड़ी चलती रहे थैंक यू सो मच फहीम फॉर ज्वाइनिंग FROM HIM IN THAT LAST GAME BUT TODAY IT TOPPED IT OFF BECAUSE uh, YOU KNOW IT WAS uh, TAKING HIS TEAM OVER THE LINE AND THE WAY THEY DID IT uh, A VISUAL TREAT FOR THE FANS over HERE IN uh, RAHUL PINDI CRICKET STADIUM ON THAT NOTE WE'LL TAKE A SHORT BREAK AND WE'LL BE BACK uh, JUST IN A BIT AND WE JOINED BY A NEW GUEST